नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार और मैं हूं आपके साथ निकिता पांडे। हर साल बसंत पंचमी का पर्व हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार स्टूडेंट्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस साल ये त्यौहार आज यानी 14 फरवरी को मनाया जा रहा है। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि बसंत पंचमी तिथि 13 फरवरी दोपहर 2:41 से शुरू हो गई है और इसका शुभ योग 14 फरवरी को सुबह 10:43 तक रहेगा। आप इस बीच कभी भी बसंत पंचमी मना सकते हो और माँ सरस्वती की विधिवत पूजा कर सकते हैं। शास्त्र में पीला रंग सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, पीले फूल चढ़ाते हैं, पीले फल भेंट करते हैं। इसके साथ ही पीले रंग का प्रसाद भी बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी आते आते ठंडक कम हो जाती है, मौसम सुहाने हो जाते हैं, पेड़ पौधों में नई पत्तियां निकलने लगती हैं, खेतों में सरसों की फसल लहराने लगती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि पीले रंग इस दिन पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है और तनाव दूर रहता है और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहती है। तो आप भी आज के दिन माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा करें और माँ को खुश करें। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।